नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मारुति की ब्रेजा के साथ में स्कोडा की रैपिड को कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर हम मारुति ब्रेजा का जो VXI मैनुअल पेट्रोल वेरियंट है उसे स्कोडा रैपिड के 20 वेरियंट के साथ में कंपेयर करेंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम है दीप एस, जिन्होंने इस टॉपिक की रिक्वेस्ट की थी। उनकी तस्वीर आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमसे ऐसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले और वहां पर हमें डायरेक्ट DM करें। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में अगर इन दोनों गाड़ियों को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों का प्राइस भी बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपने लिए सही फैसला कर पाएंगे कि आपको मारुति की ब्रेजा लेनी चाहिए या फिर स्कोडा की रैपिड लेनी चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मारुति ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी स्कोडा रैपिड से ज़्यादा बेहतर और मजबूत है? आपको क्या लगता है कि इन दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है क्या वो हमें मजबूर कर सकता है कि हम मारुति ब्रेजा को भूलकर स्कोडा की रैपिड को घर लेकर आए? आपकी राय में दोनों गाड़ियों में से स्कोडा बेहतर है या फिर मारुति बेहतर है? आपकी राय में आपके लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? दोस्तों आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। और अगर दोनों गाड़ियों के बारे में आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में, और शुरुआत करेंगे सेगमेंट से। तो जहां तक स्कोडा रैपिड के सेगमेंट का सवाल है दोस्तों, ये 4 मीटर प्लस मिड साइज सेडान सेगमेंट की कार है और मारुति की ब्रेजा सब कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर सेगमेंट की SUV है। दोस्तों प्राइस रेंज की अगर बात करें तो स्कोडा रैपिड का जो सेगमेंट है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 7,49,000 रुपीज़ से लेकर ये चली जाती है 15 लाख प्लस तक। वहीं जो मारुति की ब्रेजा है उसके सेगमेंट की प्राइस स्टार्ट होती है 6,70,000 रुपीज़ से लेकर ये चली जाती है 13 लाख रुपीज़ तक। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मारुति की ब्रेजा स्कोडा की रैपिड से विड्थ के मामले में लगभग 91 mm और हाइट के मामले में 174 mm ज़्यादा बड़ी है। वहीं स्कोडा की रैपिड मारुति की ब्रेजा से लेंथ के मामले में 418 mm और व्हील बेस के मामले में 52 mm ज़्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो मारुति की ब्रेजा में जहां पर आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 105 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 4400 RPM पर। वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है 5250 RPM पर और 175 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 1750 से लेकर 4000 RPM पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है और एक नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर आपको एक बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में से कौन सी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक मारुति की ब्रेजा का सवाल है, इसका वज़न है 1110 किलोग्राम से लेकर 1130 किलोग्राम तक। वहीं स्कोडा की रैपिड का वज़न है 1112 किलोग्राम से लेकर 1138 किलोग्राम तक। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ भूल नहीं सकते दोस्तों कि मारुति ब्रेजा का क्रैश टेस्ट हो चुका है और NCAP 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आई है। दोस्तों चलिए अब लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस पर भी बात कर लेते हैं। तो SUV होने की वजह से जहां पर मारुति के ब्रेजा में आपको 200 mm का काफ़ी बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं स्कोडा के रैपिड में आपको मात्र 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस पर। तो यहां पर भी मामला लगभग बराबरी का है, जहां पर मारुति के ब्रेजा में आपको 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, वहीं स्कोडा के रैपिड में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं
दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर मारुति की ब्रेजा में आपको 48 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और हमेशा की तरह लगे हाथों हम दोनों ही गाड़ियों के माइलेज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो मारुति की ब्रेजा में आपको 18.76 KMPL का माइलेज मिलता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में स्लाइटली बेटर 19 KMPL का माइलेज ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो जहां पर मारुति की ब्रेजा में आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको काफी स्पेशियस और बड़ा सा 460 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी व्हील्स या फिर अलॉयज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के स्टील रिम्स मिल जाते हैं, उसी के साथ में आपको व्हील कैप या फिर व्हील कवर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स पर बात करें तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों की ऑफर करने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से दोस्तों। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा और 16 इंचेस के व्हील्स आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। नेक्स्ट इस दोनों ही गाड़ियों में आपको टिल पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, डेड पेडल फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, सेफ्टी के मामले में मिनिमम ड्यूअल एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS मिल जाएगा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स दोनों गाड़ियां कॉमनली ऑफर करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं रैपिड में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको मारुति की ब्रेजा में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो स्कोडा की रैपिड में आपको 2D म्यूजिक सिस्टम मिलता है, आपको फ्रंट आर्म रेस्ट विद स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, रियर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे और रियर AC वेंट्स आपको रैपिड ऑफर करती है। नेक्स्ट इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग रैपिड में मिलेगा, एंटी ग्लेयर IRVM मिलेगा और लास्ट इज स्टेनलेस स्टील की स्कफ प्लेट्स मिल जाती हैं जिस पर आपको रैपिड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 6-7 फीचर्स हैं जो आपको रैपिड ऑफर करती हैं, लेकिन ये आपको ब्रेजा में नहीं मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं मारुति की ब्रेजा में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको स्कोडा की रैपिड में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो मारुति की ब्रेजा में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, LED DRLs मिल जाएंगी आपको, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, रियर स्पॉइलर भी आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज आपको मिलेगा रूफ रेल्स, उसके बाद में ऑडियो विद CD प्लेयर आपको देखने को मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डे नाइट IRVM और पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर भी आपको मारुति की ब्रेजा ऑफर करती है। तो कुल मिलाकर इतने ही फीचर्स है जो ब्रेजा में मिलेंगे जो आपको रैपिड ऑफर नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट गौर करने वाली ये बात है दोस्तों कि मारुति की ब्रेजा कॉस्टिंग के मामले में स्कोडा के रैपिड से लगभग 86,000 रुपीज़ महंगी है और इस एडिशनल 86,000 रुपीज़ की कॉस्ट में हमें मारुति की ब्रेजा कोई भी ऐसे टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स ऑफर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये 86,000 रुपीज़ जस्टिफाई हो सकें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो मारुति की ब्रेजा में जहां पर आपको मात्र 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है, जो कि सबसे पथेटिक एंड वर्स्ट है, क्योंकि मारुति इंडस्ट्री का 53% मार्केट शेयर होल्ड करती है और सबसे घटिया वारंटी ऑफर करती है। वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 4 साल 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी आएगी, 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक का रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा, 4 साल 60,000 किलोमीटर में आपको 4 लेबर फ्री सर्विस मिलेगी जिसका इंटरवल होगा 15,000 किलोमीटर या फिर वंस इन अ ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि स्कोडा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वारंटी ऑफर दे रही है। चलिए अब थोड़ी मेंटेनेंस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मारुति का मेंटेनेंस इंडिया में सबसे सस्ता माना जाता है, और दूसरी तरफ सभी लोगों को ये मालूम है कि स्कोडा का मेंटेनेंस थोड़ा हायर साइड पर है, लेकिन जिस तरीके की स्टैंडर्ड वारंटी स्कोडा ऑफर कर रहा है और 86,000 रुपीज़ का जो प्राइस गैप आप बचाने वाले हो दोस्तों, उसकी वजह से आप अपनी गाड़ी के लिए 4 साल स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में एक्सटेंडेड वारंटी लेकर स्कोडा को आसानी से मेंटेन कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर, जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि मेरे किसी भी वीडियो में, इंक्लूड इन दिस वीडियो, मैं जो भी प्राइसेस कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए होते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे स्कोडा की रैपिड के प्राइसिंग से। तो एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से स्कोडा रैपिड का जो बेस वेरिएंट है राइडर मैनुअल में आपको मिलता है 7,49,000 रुपीज़ का। वहीं मारुति की ब्रेजा का जो बेस वेरिएंट है LXi,
एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मैनुअल में ये आपको मिलेगा 7,34,000 रुपीस का, जो रैपिड से लगभग 15,000 रुपये सस्ता है। वहीं VXI वेरिएंट जिसे हम इस वीडियो में कंपेयर कर रहे हैं, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से इसकी कीमत है 8,35,000 रुपीस, जो कि रैपिड से लगभग 86,000 रुपीस महंगा है। और जैसे मैंने अभी अभी आप सभी को बताया है, इस एडिशनल 86,000 रुपीस में मारुति की ब्रेजा हमें किसी भी तरीके से कोई भी टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स ऑफर नहीं करती, जिसकी वजह से ये एडिशनल कॉस्ट जस्टिफाई हो सके। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की कंपटीशन पर। तो जहां तक मारुति की ब्रेजा का सवाल है, इसके सेगमेंट में ब्रेजा के अलावा आपको ह्यूंडई की वेन्यू देखने को मिल जाएगी, महिंद्रा की XUV300 देखने को मिल जाएगी, फोर्ड की इको स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगी और टाटा की नेक्सॉन जैसी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। वहीं दूसरी ओर स्कोडा रैपिड का जो सेगमेंट है, उसमें रैपिड के अलावा आपको फोक्सवैगन की वेंटो मिल जाएगी, मारुति की सियाज मिल जाएगी, होंडा की सिटी मिल जाएगी और ह्यूंडई की वेरना मिल जाएगी। और कुछ हद तक अपनी प्राइस और फीचर्स के दम पर ह्यूंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस, टाटा की हैरियर और MG की हेक्टर इसके सेगमेंट को एक बहुत ही तगड़ा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन और कॉम्पिटिशन ऑफर करते हैं। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक पर, क्योंकि यहाँ तक हमने दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग डिस्कस कर ली है, फीचर्स देख लिए हैं और अच्छाइयाँ भी देख ली हैं, तो एक नज़र कमियों पर भी डालना बनता है। शुरुआत करेंगे मारुति की ब्रेजा में। तो मारुति की ब्रेजा के वेरिएंट्स मुझे ओवर प्राइस लगते हैं, क्योंकि उनमें फीचर्स ही नहीं मिलते, ये सेगमेंट की सबसे पथेटिक कार है। उसके अलावा मारुति की ब्रेजा में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता। मारुति की ब्रेजा में आपको बहुत सारे फीचर्स मिसिंग मिलेंगे, जैसे कि आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, जहां पर सेगमेंट इसे 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7-speed DCT ऑफर करता है। मारुति की ब्रेजा में सबसे पथेटिक आपको 4-speed ट्रांसमिशन मिलता है ऑटोमेटिक में। मारुति की ब्रेजा में दोस्तों आपको रियर AC वेंट्स भी नहीं मिलते हैं और 2500 RPM के बाद में मारुति की ब्रेजा का इंजन कुछ ज़्यादा ही नॉइजी हो जाता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मुझे ब्रेजा के बारे में दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कोडा की रैपिड के बारे में। तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है इसका आउटडेटेड डिज़ाइन। हालांकि ये काफ़ी मच्योर और स्टाइलिश लुक देता है, लेकिन जब से स्कोडा रैपिड लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक ये सेम डिज़ाइन है। करंट ट्रेंड के हिसाब से, अप मार्केट और मॉडर्न एज के हिसाब से स्कोडा को इसमें चेंज करने चाहिए। दूसरा ड्रॉबैक है दोस्तों स्कोडा का, इतने सालों की इंडियन मार्केट में प्रेजेंस होने के बाद में भी स्कोडा ने अपना डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। उस पर स्कोडा को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर स्कोडा की डीलरशिप 200-300 किलोमीटर दूर है और ना चाहते हुए भी आप कितनी भी अच्छी गाड़ी बना लो, कंज्यूमर को सर्विस स्टेशन पास नहीं होने की वजह से वो दूसरी कंपनियों की ओर मुड़ जाते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है दोस्तों कि आज की डेट में अब तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, स्कोडा की रैपिड ऑटोमेटिक में अवेलेबल नहीं है और ना ही इसमें डीजल इंजन आने की कोई संभावना है। अब पहुंचते हैं दोस्तों वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर दोनों में से किसी भी एक गाड़ी को क्लियर विनर कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों के सेगमेंट अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग है दोस्तों। तो जो लोग अपने लिए एक SUV फील वाली गाड़ी चाहते हैं, एक कॉम्पैक्ट SUV होनी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, सिटी में पार्किंग के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन सभी रिक्वायरमेंट के मद्देनज़र आप चाहें तो मारुति की ब्रेजा ले सकते हैं। बाकी बचे लोग मेरी तरह स्कोडा की रैपिड ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब ये आपको सोचना है कि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से किन चीज़ों को आप तवज्जो देते हैं और दोनों में से कौन सी गाड़ी अपने लिए घर लाते हैं। जहां तक मेरी राय का सवाल है दोस्तों, मेरे लिए अपने हिसाब से मैं स्कोडा की रैपिड को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मारुति की ब्रेजा से 86,000 रुपीस सस्ते में अगर मुझे एक प्रीमियम ब्रांड की प्रीमियम कार मिल रही है, जो ब्रेजा से ज़्यादा कंफर्टेबल है, बेटर स्पेशियस है, बेटर फिट एंड फिनिश है, इंजन का परफॉर्मेंस एंड आउटपुट ज़्यादा बेहतर है, सेफ्टी ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में आती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि 86,000 रुपीस एक्स्ट्रा खर्च करके ब्रेजा खरीदने का मेरे लिए कोई भी सेंस नहीं बनता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों कि आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हो। और आज की इस फाइट में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके हिसाब से जीत पाई है, इसके बारे में भी आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।